तो फाइनली गाइस यहाँ पे बहुत सारे हमने बनाई है वीडियो, वीडियो बनाने के लिए ये देख सकते हैं, ये मैम आई है, नहीं काटेगा नहीं मैम डर रही है, ये देखिए आइए आइए जाइए जाइए जाइए, ये देखिए क्योंकि लड़कियों को काटता है ना ये, क्योंकि आर्य भाई की जो वाइफ है ना उनके अलावा किसी साथ नहीं देखना चाहता ये ये देखिए गाइस तो यहाँ पे वीडियो शूट होगा मैम का, मैम शर्मा रही है अरे काटे का तो एक अच्छा से वो बन जाएगा कंटेंट और कंटेंट बढ़ जाएगा बढ़िया आपका। चलिए नहीं काटेगा भाई, ये देखिए गाइस अरे नहीं काटेगा, जाइए जाइए पास जाइए, एक बार चेक करिए आप, नहीं आएगा नहीं आएगा, अरे वो आएगा नहीं यार ये देखिए ये देखिए गाइस मैम डर रही बहुत ज्यादा, अब आप करिए ना डरिए मत, हम पकड़े रहेंगे, तो ना बात करो नॉर्मल ले कर रही हो, स्वेटर लगाए डर रही बता रहे करिए तो आप बात करिए वो हो जाएगा, वो है ना कुछ नहीं होगा, वो खड़े हैं ना, बोलिए आप, डर रही मैं बहुत ज्यादा। तो फाइनली हमारे साथ यहाँ पर आरिफ जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, और जैसे कि हम जानते हैं कि आपको ये सारस जो है जो स्टोरी आपने बताई है उस हिसाब से आपको घायल कहीं मिला था है ना, तो वो कि आपको घायल मिला इसकी आपने काफी अच्छे से देखभाल, ये देखो सब बैठ गए किसी कभी भी बता दो जो काटने के सिलसिला इसका है, तो भैया काट रहा है, आइए एक बार पास आइए फिर से नहीं काटेगा ये तुम बोलते भी हो क्या सारस, तुम बोलते हो क्या, माइक कीजिए माइक दीजिए, माइक कहाँ जाएगा बोलोगे देखिए गाइस अभी काटने वाला बढ़ रहा है धीरे धीरे, देखिए ये देखिए ये देखिए मैम बहुत ज्यादा डर रहे हैं यार सब लोग, ये नहीं डरते, तुम डरते हो, तुम नहीं डरते, कोई नहीं डरता यार यहाँ पे, ये देखिए चाचा जी हमारे पीछे खड़े हैं, ये देखिए ये देखिए सलाम कैसे काम कर जो सलाम सलाम अपने परिवार में गया, मेरे साथ रहने लगा, इसका परिवार कहाँ था, इसका परिवार कहीं जंगल में रहता है, दूर कभी कभी दिखाई देते हैं 6-7 महीने में, तो बेटा ऐसे दिखाई, ये ग्रुप के साथ रहते हैं, हाँ ग्रुप के साथ रहता है, तो अब आपके साथ रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, फैमिली को छोड़ दिया है, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, मतलब आपसे कैसे इसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी कैसे हो गई, मतलब आपने उसका ख्याल रखा, तो गाइस मैं इतना डर रही हूँ, इतना डर रही हूँ, इतना डर रही हूँ उनको, मतलब कभी भी वो काट सकते हैं, इसके डर से वो पीछे पीछे जा रही है, मतलब उनकी जो हिम्मत है हिम्मत बड़ी नहीं रही, ये देखिए आप देखिए कहाँ खड़ी है, ये देखिए आप देखिए देखिए डर दिख रहा है भाई डर, ये देखिए क्या बातचीत हुई, ये देखिए गाइस हमला करने वाला है, मिले इनसे मिले हम लोग तो लखनऊ बुलाए हैं, अच्छा किस पर्पस से, क्या लगता है आपको काटेगा, लखनऊ आना चाहिए, जैसे कि उन्होंने बताया कि पिकॉक जो है वो नेशनल पक्षी है, और सारस को उन्होंने बताया कि स्टेट लेवल भैया भैया जब सरकार थी तो वही वो किए थे राज्य की, तो क्या लगता है कि आगे आपका क्या प्लान है इनके साथ, अब वहाँ जाएंगे तो भैया बताएंगे क्या प्लान है क्या नहीं, अभी बुलाए सिर्फ बोलने के लखनऊ आना होली बात, अच्छा अच्छा, तो मतलब हो सकता है कि बर्ड को लेकर आपका कुछ या सारस को लेकर आप कुछ नया करने का सोच, आपके हिसाब से दोस्ती की क्या मायने, दोस्ती के मायने क्या, जैसे पंछी है इंसानों के बीच में रहने वाला नहीं, थोड़ी सी मदद की थी एकदम थोड़ी सी समझ लीजिए, तो ये अपनी दोस्ती निभा रहा, आज तक भूल निभा रहा, हमको सोचने जाता नहीं, तो इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि पंछी होकर दोस्ती निभा रहा है तो इंसान को क्या सीख मिली, वो सीख हम जाना चाहिए, अगर कोई खड़ा हो जाता तो उसको काटने दौड़ता जैसे मेरे साथ कर रहा है, सबको नहीं कि वो लड़की खड़ी हो जाती, अच्छा इनका कहना है कि सिर्फ लड़कियों को काटता है, यानी इनको लड़कियों से हो सकता है कि कोई खास वो हो, तो इसलिए मैं थोड़ा बच बच के अभी बात कर रही हूँ, तो इसलिए आरिफ जी बचा रहे हैं कि वो मुझे कहीं काट ना ले, गाइस अभी हम लोग ग्राउंड में आ गए, मैं भाई थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ, मुँह हाथ धुल लिया क्योंकि थोड़ा मुंह धुलना जरूरी था, तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो सेशन हो रहा है, ये देखिए सब लोग हैं, तो अभी देखते हैं क्या सीन है, ये देखिए भाई लोकेशन बहुत तगड़ा आ रहा है।
और भीड़ देखिए उधर से देखिए सामने, मतलब यार मॉर्निंग से भीड़ जो है कम नहीं हो रही। ये देखिए अभी फिर उतने लोग, मतलब 40-50 लोग आते हैं तो 40-50 लोग चले जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट 40-50 लोग और आते हैं, फिर आवागमन आवागमन, इसलिए बार बार परेशानी होती रहती है। तो देख सकते हैं भाई, ये देखिए सब मुस्कुरा रहे हैं, देखिए सारस को देख छकते ही नहीं भाई कोई। ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी, भीड़ लगा हुआ है भाई। ये देखिए वो भाई कहाँ चले ये देखिए, आप तो रॉकी भाई स्मार्ट लग रहा है।